आए हुए तमाम नौटंकी कला प्रेमियों को मैं राजेश यादव सादर नमस्कार एवं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ सभी श्रोताओं से, सभी नौटंकी कला प्रेमियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे शांति का परिचय दे रहे हैं, शांति का परिचय देंगे तो कार्यक्रम में आनंद जरूर आएगा। आइए, आपके समाज से ही जुड़ा हुआ, हमारे समाज से जुड़ा हुआ एक चौबोल पेश कर रहा हूं, जिन्होंने भारत को एक नया आयाम दिया, हम लोगों को जीने के लिए एक रास्ता बताया। ऐसे ही महामानव भारत रत्न से पुरस्कृत बाबा भीमराव अंबेडकर के विषय में चार लाइन का चौबोल पेश है। जिस संविधान के निर्माता बाबा साहब को प्रणाम, आज दलित गरीबों के साथ में बाबा आज जुड़ा आपका नाम। आपका नाम ये बाबा आज भी माँ के राज दुलारे, आज पढ़ने गए स्कूल एक दिन राम जी के नैनों के तारे, बात को ध्यान दीजिए, बात को समझ लीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में 1991 को 14 अप्रैल के दिन हुआ था। बाबा साहब की माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल बताया गया। रामजी सकपाल अपने बेटे भीम को ले जाकर स्कूल में एडमिशन करवाए पढ़ने के लिए, लेकिन वहां स्कूल में उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया गया। क्लास के बाहर बैठकर बाबा साहब पढ़ाई करते रहे कि एक दिन पढ़कर आ रहे थे कि रास्ते में वर्षा होने लगी, और जब रास्ता में वर्षा होने लगी तो बताया गया आज पढ़ के आते बाबा साहब एक दिन सुनो मार्ग में बड़ी भारी आज वर्षा हुई, एक ब्राह्मण के छत का सहारा लिया, एक ब्राह्मण के छत का सहारा लिया, किया अपमान ब्राह्मणी ने तो शपथ भे लिया, एक ब्राह्मण के छत का बात को समझने वाली बात है कि पढ़कर आ रहे थे रास्ते में वर्षा होने लगी, वर्षा से बचने के लिए बाबा भीमराव एक ब्राह्मण के घर के पास खड़े हो गए। ब्राह्मणी जब बाहर निकली तो देखा, कहा एक अछूत का बच्चा मेरे घर को पवित्र कर दिया, कहते हुए अनेक अपशब्द कहे, जिसे सुनकर बाबा साहब ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं पूरे भारत से एक दिन भेदभाव की भावना को समाप्त कर दूंगा, हर एक इंसान समान होगा और हर एक इंसान को समाज में उठने बैठने का बराबर का अधिकार मिलेगा। समय बीतने लगा, उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास करी,
उसके बाद हाई स्कूल अर्थात मैट्रिक की परीक्षा पास की और बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए की पढ़ाई पूरी किया। और बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद विचार करने लगे कि अब मुझे बाहर जाकर पढ़ना यानी विदेश पढ़ना है, लेकिन रामजी सकपाल के पास इतना पैसा नहीं था कि विदेश जाकर पढ़ा सके। लेकिन बड़ौदा के राजा ने छात्रवृत्ति पर भीमराव अंबेडकर को लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया, और जब लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया तो वहां जाकर उन्होंने बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई की। कुल मिलाकर के बाबा साहब ने 26 डिग्रियां हासिल की, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है। लेकिन जब पढ़कर आए, 1942 का दौर चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी, करो या मरो का नारा चल रहा था, समय व्यतीत होने लगा। 1944 का दौर आया तो अंग्रेजों ने कहा देश को आजाद करूंगा पर देश को चलाओगे कैसे, एक संविधान होना चाहिए। जब संविधान की बात आई तो आखिरकार तमाम नेताओं ने जब बाबा भीमराव अंबेडकर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने भारतीय संविधान को लिखना प्रारंभ कर दिया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। खतरे में पड़ी बाबा साहब तब कानून लिखने लगे, दोनों हाथों से कलम को चलाते रहे, दोनों दोनों हाथों से कलम को चलाते रहे, देश भारत को आजाद करा ही लिया, दोनों हाथों से कलम को चलाते रहे। बाबा साहब ने भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना दिया, जबकि अंग्रेजों ने 3 साल का समय दिया था, 18 दिन के शेष रहते ही भारतीय संविधान को लिख डाला और अंत में कहना पड़ा आज लिखे भारत का संविधान। आज संविधान और दे दिया आरक्षण विविध महान, अरे भारत रत्न बाबा साहब आज मास्टर सुरेश बाबा साहब को झुकाते नित ही, धीरे धीरे ना हो मैया, धीरे धीरे ना हो भैया, धीरे धीरे ना रखिया हाका मोरी भवान, धीरे धीरे ना रखिया हाका मोरी भवान। हाँ।